गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित भक्त वृंद सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे, हम लोग ये तिलक क्यों धारण करते, ये तिलक का क्या महिमा है। उदाहरण दिया, जैसे एक सधवा स्त्री अगर वो मांग भरती हैं, सिंदूर लगाती हैं, गला में मंगलसूत्र शंखा पहनती हैं, उसको प्रति कोई कुदृष्टि से कोई भी नहीं देखते हैं, उसको देखने से पता चलता है ये परिणता, ये विवाहिता स्त्री है। कहते उसी तरह जब हम तिलक धारण करते हैं, लोगों को पता चलता है इनका कोई स्वामी है, इनका कोई प्रभु है, इसलिए कोई कुदृष्टि से हमारे ऊपर में कोई देखते नहीं। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं एक शिक्षक थे, कोई एक छात्र बगैर तिलक के आ गया तो महाप्रभु उसको अपना क्लास में बैठने नहीं दिया, बोले आज तुमने तिलक नहीं धारण की, आज तुमने संध्या वंदना नहीं की, जाओ तिलक धारण करते हुए तभी क्लास में आना। इसका तात्पर्य यह है, अगर हम तिलक धारण नहीं करेंगे तो कदा हम भगवान का जो भक्त हम बन नहीं सकते, ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग जितने सनातन धर्मी हैं, हिंदू है, आप देखिएगा घर में जब कोई ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आता है, सबसे पहले वो तिलक धारण करवाएगा, उसको बाद में ही पूजा करवाएगा, बगैर तिलक के वो कभी पूजा नहीं करवाएगा। क्यों? बगैर तिलक के जो पूजा उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए जीव का तो बात ही छोड़ दो, अब देखिएगा हमारे जितने भगवान भी, जैसे भगवान राम उनका भी तिलक है, भगवान कृष्ण उनका भी तिलक है, भगवान नारायण उनका मुंह तो आधा तिलक में ही भरा हुआ रहता है। इसलिए हनुमान जी, गणेश जी, कोई भी आप देवता देखिए, वो बगैर तिलक के कोई नहीं रहते हैं। इसलिए तिलक की बड़ी महिमा है। इसलिए पुराण में बताया, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य बसत देह जस्य शंका किंतम तनु। जो व्यक्ति अपना शरीर में ये शंख चक्र गदा पद्म में ये तिलक धारण करते हैं, उनका शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री ये सब के सब उनके शरीर में निवास करते हैं। भले गंगा गया कुरुक्षेत्रम प्रयाग पुष्करादि च नित्य तस्य सदा तिष्ठते जस्य पद्माकितम बपु। जो व्यक्ति हर समय अपना शरीर में ये तिलक शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, उनको शरीर में गंगा गया कुरुक्षेत्र प्रयाग तीर्थराज पुष्कर उनका शरीर में निवास करते हैं। दूसरे पुराण में बताए, बोले गोपी मृतुल शंखम सालग्राम सचक्रम गृहे अपि जस्य पंचैते तस्य पाप भयम कुतः। ये काशी खंड में बताया, जिनके घर में गोपी चंदन तुलसी शंख सालग्राम और चक्र जिनके घर में रहता है, उनका घर में कभी भी कोई पाप भी प्रवेश नहीं करता है। स्कंध पुराण में बताए, बोले गोपी चंदन खंडस्तु जो ददाति ही वैष्णवे
कुलमेकतरम तेना संभवितारितम सतम। अगर कोई ये गोपी चंदन ये तिलक किसी वैष्णव को साधु को अर्पण करता है, उनको घर में कते 71 जो उनका पीढ़ी ये सब के सब मुक्त हो जाते हैं, भगवत धाम को गमन करते हैं। जो मृतिकाम द्वराभतिम समुद्भवा करे समाधाय ललाट पटले करोति नितम चौथ चौथ पुण्ड्रम क्रिया फलम कोटि गुणम सदा भवेत। पुराण में बताया अगर कोई व्यक्ति तिलक धारण करते हुए कोई भी शुभ काम करते हैं, कहते बगैर तिलक के शुभ काम करने से जो फल मिलता है तिलक धारण करते हुए जब करते हैं उसको कोटि गुण उसका फल उसको प्राप्त होता है। तिलक ही इतना महिमा बोले जस्यांतम काले खब गोपी चंदनम बाहो ललाट हृदमास्तकेन प्रयाति लोकम कमलाल लयम प्रभु गोपाल घाती यदि ब्रह्मा भवेत। अगर कोई व्यक्ति गोपी चंदन को अपना ललाट में अपना बाहु में शरीर में धारण करता है, कहते मानो उसका शरीर नहीं ये शरीर साक्षात कमला मतलब लक्ष्मी की निवास स्थान बन जाता है। और कहते अगर तिलक धारण करते हुए कोई कहते अगर कोई ब्रह्महत्या गोहत्या अगर बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं किया, तिलक धारण करने से सारे पाप से वो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। बोले ग्रह न पीड़न्ति न राक्षसा गणा जख्या पिशाचो रघुभूत दानवा ललाट पटे खग गोपी चंदनम संतिष्ट तेजस्य हरे प्रसादत। जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं बोले ग्रह न पीड़न्ति न राक्षसा गणा, जैसे किसको ऊपर में शनि ग्रह राहु ग्रह काल कोई काल चक्र ग्रह तरह तरह का जो ग्रह हमारे ऊपर में आने पर तरह तरह हमें पीड़ा दुख कष्ट देता है, अगर जो व्यक्ति तिलक धारण करता है उसको ऊपर में कोई ग्रह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, कहते कोई राक्षस भी उसको शरीर में उत्पाद नहीं कर सकते हैं। बोले जख्य पिशाच अगभूत दानव कोई राक्षस कोई यक्ष कोई भूत प्रेत कोई दानव उनका कोई असंतुष्ट कोई उसको शरीर में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं अगर कोई ये गोपी चंदन को धारण करते हैं। भागवत में आता है जिस समय पुतना ने कृष्ण को मारने के लिए आई और उसी समय भगवान कृष्ण ने पुतना को वध कर डाले, उसको बाद में माँ जसोदा भी कृष्ण के शरीर में द्वादश अंग में तिलक धारण कराया। हम जो द्वादश अंग में तिलक धारण करते हैं ये ललाट में जो तिलक है बोले ललाटे केशवम उदर में नारायण बख्य माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार्श्व विष्णव दक्षिण बाहु में मधुसूदन दक्षिण स्कंद त्रिविक्रम वाम पार्श्व वामनाय वाम बाहु ते श्रीधर बामस्कंद ऋषिकेश पृष्ठ पद्मनाभ कटि में दामोदर मस्तक में वासुदेव। ये जो द्वादश अंग में हम तिलक धारण करते हैं ये भगवान का द्वादश नाम है। अगर शरीर में ये तिलक धारण करे मानो जैसे कर्ण का शरीर में कवच रहता था, जब तक उसका शरीर में कवच रहेगा उसको कोई भी मार नहीं सकते हैं, उसी तरह अगर हम तिलक धारण करते हुए कहीं जाते हैं अगर कोई हमारे जीवन में कोई एक्सीडेंट बा कोई अनहोनी होने का रहेगा तो कोई तिलक धारण करते हुए जाए उसका शरीर में कोई भी अनहोनी शरीर में किसी तरह का विपत्ति कुछ भी नहीं आएगा, ये तिलक की इतने महिमा हैं। बोले तुलसी मृतिका पुण्ड्रम ललाटे जस्य दृश्यते देह न स्पृशन्ति पापम क्रियमानस्तु नारद। ये गरुड़ पुराण में बताया जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं अगर कोई उसको केवल दर्शन कर लेते हैं दर्शन मात्र से ही उसका सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए
बोले उद्धरपुंड धर्म अर्थ म्रियते जत्र कुतचेत स्वपाके अपि विमानस्त मम लोक महीयते। भगवान खुद कहते हैं अगर कोई तिलक धारण करते हुए कोई शरीर अगर त्याग कर तो कहते वो चंडाल होने पर भी और मेरे लोक को प्राप्त करता है। कहते जो हम तिलक धारण करते हैं, ये तिलक आप देखिए, ये जो दोनों तरफ में ये कौन है, ये बीच में कौन है, बोले वाम पार्श्व स्थिता ब्रह्मा दक्षिणे तु सदा शिव मध्य विष्णु बीजानियात तस्मात बद्ध न लेपयत। कहते वाम पार्श्व में ये ब्रह्मा है, दक्षिण पार्श्व में ये सदाशिव और मध्य में भगवान विष्णु का यहाँ निवास है। इसलिए ये तिलक कोई साधारण वस्तु नहीं, इसलिए आप लोग सबके सब ललाट में तिलक धारण करिएगा। तिलक का बड़ी महिमा है और जो तिलक का नियम है, ऐसे जैसे फोटा लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, नहीं, शास्त्र में ये चीज़ को मना किया है। इसलिए नियम है ऊर्ध्वपुंड, मतलब जो हमें भगवान तक ले जाए तिलक ऐसे होनी चाहिए, बीच में खाली रहनी चाहिए, बीच में भरा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान राम को देखिएगा तिलक ऐसे है, भगवान कृष्ण को देखिएगा ऊर्ध्वपुंड तिलक, भगवान नारायण को, हनुमान और गणेश को देखिएगा वो तिलक सबके सब ऊर्ध्वपुंड धारण किए हैं। और मानो ये भगवान की दो चरण भी है, नीचे का भाग जैसे ठाकुर जी के चरण में हम तुलसी पता देते हैं, ये तुलसी पता जैसे इसकी आकृति है। लेकिन ये जो तिलक कहाँ के होनी चाहिए, कहते अगर किसी तीर्थ स्थान का हो, किसी पवित्र नदी का मिट्टी हो, विशेष करके जो तिलक है ये आता है द्वारका से, ये भगवान की चरण धूलि है। कभी भगवान कृष्ण को नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु जगत में तो आपके बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन आपके सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन हैं? भगवान का नारद जी समय आने पर मैं बता दूंगा। एक दिन भगवान जानबूझ करके बुखार सरदर्द लीला की, नारद को बोले नारद जी दुनिया कहते तुम मेरे सबसे बड़ा भक्त हो, अपना चरण धूलि दे दे, इससे मैं सही हो जाऊंगा। बोले प्रभु क्या हमें आप नरक भेजना चाहते हो? बोले यहाँ पर बहुत सारे भक्त, उनसे मांग करके लाओ, लेकिन कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। जब नहीं हुए नारद, सारा दुनिया घूम करके आ गए, बोले किसने चरण धूलि दिया? बोले इसको सुनते ही सबके सब मेरे को गाली बके। बोले सब जगह में गया? बोले गया। बोले वृंदावन में गया था कि नहीं? बोले केवल वृंदावन में नहीं गया, बोले वहीं पर मेरे असली भक्त है नारद। जब वृंदावन में गए सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, बोले कहाँ से आए हो? बोले द्वारका में आए। बोले हमारे लाला कान्हा कैसे हैं? बोले उनका सर दर्द बुखार, बोले कोई दवा नहीं दिया? बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ। बोले क्या दवा है? बोले अगर मेरे कोई भक्त अपना चरण धूलि दे, उसमें मेरे को स्नान कराया जाए तो मेरी बुखार सही हो जाएगा। तब ब्रज गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, सारे ब्रज रज को उन्होंने एकत्रित करके पोटला बांध करके नारद जी को सर पर रख दिया। नारद जी वही धूल को ला करके द्वारका में भगवान को स्नान कराया गया और भगवान की सर दर्द बुखार सही हुआ। भगवान सिखा देते हैं, नारद जी ने देखा अगर जगत में सबसे बड़े भक्त कोई तो ये ब्रज ब्रासी ब्रज गोपियाँ हैं। इसलिए ये जो तिलक है वो वहीं से ही आता है। इसलिए आप लोग जो तिलक लगाइएगा, ये ब्रज गोपियों की चरण धूलि ये द्वारका से ही आनी चाहिए। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।